अनुच्छेद 19 से 22 यानी आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक किससे रिलेटेड है? नंबर एक, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे इंग्लिश में एक्सप्लोटेशन के खिलाफ मानते हैं। स्वतंत्रता का राइट, राइट टू फ्रीडम, संवैधानिक उपचारों का यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज वाला राइट, और संस्कृति और शिक्षा यानी कल्चरल एंड एजुकेशन रिलेटेड राइट, इनमें से किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों यहां आपका आंसर होगा 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम है, यानी आपका आंसर इसमें बी रहेगा या बै रहेगा या सेकंड ऑप्शन रहेगा। लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस चलो और करते हैं अगर हम लगे ही हैं तो। 14 से लेकर, पहली बात दोस्तों एक चीज याद रखना, जो फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स पूरी दुनिया में फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत जो है वो 1215 में इंग्लैंड से हुई, जब इंग्लैंड के राजा और वहां की जनता के बीच में मैग्ना कार्टा एग्रीमेंट हुआ। तो इसलिए दुनिया के लिए मौलिक अधिकारों की जननी इंग्लैंड को माना जाता है। जब यूएसए ने आजादी के बाद अपना संविधान बनाया तो उसने वहां से इन फंडामेंटल राइट्स को लिया, और इंडिया ने जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएसए से लिए हैं। जब लिए गए उस समय संख्या 7 होती थी, राइट टू प्रॉपर्टी हमने निकाल दिया, अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 3 में इनको रखा गया है और इसी आधार पर हम इनको समय समय पर पढ़ते हैं। अगर हम बात करें 14 से 18 की, 14 से 18 तक दोस्तों समानता का राइट है, इक्वलिटी का राइट है। 19 से 22 तक बात करते हैं तो स्वतंत्रता का है। 23 से 24 के अंदर आप देखते हो तो 23 से 24 में आपको शोषण के विरुद्ध मिलेगा, एक्सप्लोटेशन के खिलाफ मिलेगा, चाहे जिसमें बाल मजदूरी हो, चाहे जिसमें ह्यूमन ट्रैफिक वगैरह हो, उसके मामले में है। उसके बाद 25, 26, 27, 28 जो है दोस्तों वो आपके धार्मिक होते हैं। 29, 30 आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी होता है। 31 को खत्म कर दिया गया है, प्रॉपर्टी वाला हुआ करता था, और 32 में संवैधानिक उपचारों का है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज कहते हैं। ये हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले ही क्वेश्चन में मैंने इनके सारी थीम को एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आप लोगों को आने वाले क्वेश्चन जो मैं सीरीज करने वाला हूं उसमें आपको आसानी हो। तो दोस्तों इस पहले ही, हालांकि कई क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स के हैं, लेकिन मैंने पहले ही क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें इसलिए डिस्कस की हैं कि आने वाले एग्जाम में तो फायदा होगा ही होगा, अब जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वहीं से आपको इस टॉपिक का फायदा होने लगेगा। फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि बात नहीं बन रही है तो वो जा सकते हैं वीडियो को छोड़ करके, क्योंकि बड़ा दुख होता है जब सही से टॉपिक एक्सप्लेन होता है और तब भी कुछ लोग बकवास करके वापिस जाते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के संबंध में यह किसने कहा है कि संविधान का हृदय और आत्मा है? दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो आर्टिकल 32 में है, उसके बारे में एक व्यक्ति ने यह कहा है कि यह जो आर्टिकल 32 है या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है या कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और आत्मा है, यानी संविधान का हृदय और आत्मा है। तो यहां आपको देखना है ये किसने कहा। दोस्तों ये बी आर अंबेडकर ने कहा था, ए इसका आंसर होगा, आंसर होगा ए, यानी बी आर अंबेडकर ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो आर्टिकल 32 में है, वो भारतीय संविधान की आत्मा है और उसका हृदय है, हार्ट एंड सोल कहा था। क्वेश्चन नंबर 3, बंदी प्रतीक्षण लेख यानी रिट ऑफ हैबियस कार्पस, हैबियस कार्पस रिट, जो आर्टिकल 32 है उसमें आपको अलग अलग रिट दी गई हैं, रिट आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। तो बंदी प्रतीक्षण लेख क्या होता है? दोस्तों बंदी प्रतीक्षण आपको सिर्फ क्वेश्चन से पता चल सकता है। बंदी का मतलब जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया हो, प्रत्यक्षीकरण का मतलब सामने लेके आना, यहां से आपको अंदाजा लग जाएगा। यानी बंदी व्यक्ति को सामने लाना, पूर्णतया सूचित करना नहीं हो सकता, रोकना नहीं हो सकता, किस अधिकार से नहीं हो सकता, शारीरिक उपस्थिति यानी बंदी बनाए व्यक्ति को सामने लाना, इसका मतलब फिजिकली प्रेजेंस देना किसी चीज की। तो यहां आपको बंदी प्रतीक्षण का मतलब है शारीरिक रूप से किसी को उपस्थित करना। जब 24 घंटे पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए हो जाए तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस किसी भी व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करती है, यहां पे इसके बारे में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मूल अधिकारों का युक्तियुक्त निर्बंधन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं मौलिक अधिकारों पर, यह किस संबंध में
किस अनुच्छेद में बताया गया है। दोस्तों मौलिक अधिकारों पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल है दोस्तों 19 का पार्ट 2 और 19 का पार्ट 6, यानी आर्टिकल 19 के पार्ट 2 और 6 में कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस अनुच्छेद के अनुसार जब किसी क्षेत्र में सेना विधि परिवर्तन के हो तथा संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों पर निर्बंध लगा सकते रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, तो यहां आपका आंसर होगा दोस्तों 34 यानी 34 नंबर आर्टिकल। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों के महत्व के संबंध में कौन से कथन क्या कहते हैं? लोकतंत्र की असफलता का आधार, अपवादों और प्रतिबंधों का औचित्य, सामाजिक बुराइयों का अंत, अनुसूचित जातियों जनजातियों का कल्याण। तो यहां दोस्तों आपको केवल ए ही ठीक है, बाकी इसमें से कोई ठीक नहीं होता है, तो ए के आधार पर इसको आप कोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 ए के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को वृत्ति उपजीविका व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, सब नागरिकों को समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता है, नागरिकों को बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से सभा सम्मेलन का राइट है, भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण लेखन अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रसार करने की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों यहां पे आंसर होगा डी। अगर सही से देखेंगे तो आर्टिकल 19 में आपको, वैसे ये तो 19 ए के पार्ट ए की ओर ही है, लेकिन अगर 19 की बात करेंगे तो 19 में लोगों को चार प्रकार की आजादी दी गई है। नंबर 1 बोलने की आजादी, नंबर 2 वर्क या जॉब काम करने की आजादी, नंबर 3 घूमने की आजादी और नंबर 4 देश में निवास करने की आजादी। क्वेश्चन नंबर 8, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक यानी लीगल राइट नहीं है, तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है, कौन सी रिट जारी करता है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जो करने का उसको संविधान ने अधिकार नहीं दिया है, कानून ने राइट नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति द्वारा 7 मई 1971 को इंटरनल सिक्योरिटी के आदेश के ऊपर एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया और जून 1971 में इस अध्यादेश ने कानून का रूप धारण कर लिया, इस कानून को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? दोस्तों इस कानून को बोलचाल की भाषा में हम मीसा कहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे हम लोग मीसा कहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जून 1971 से भारत में कानून के रूप में लागू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें शोषण के खिलाफ अधिकार में कौन नहीं आता है? मनुष्यों का क्रय विक्रय निषेध ये तो आता है, बेगार का निषेध ये भी होगा, धर्म विशेष की उन्नति का निषेध और बाल श्रम का निषेध, तो इनमें से कौन सा इसमें काउंट नहीं होता है? तो दोस्तों इसमें धर्म विशेष की उन्नति का निषेध ये काउंट नहीं होता है, क्योंकि किसी भी धर्म की उन्नति तो का प्रोग्रेस जो है वो जरूरी है, उसको आप निषेध नहीं कर सकते, लेकिन लोगों का क्रय विक्रय के बारे में यानी जिसको हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, लोगों को निश्चित मजदूरी ना मिले, बाल श्रम का निषेध, ये चीजें तो बहुत जरूरी हैं, तो इसमें आपका जो ए है यानी तीसरा जो पॉइंट है वो गलत है, ए इसका आंसर आपको यहां से 3 नंबर पे मिलेगा, ये पे यहां पे इसको नहीं माना जा सकता। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिकल 24 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतकरण की मान्यता के अनुसार किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उपासना करने, उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखो 24 की बात हो रही है, पहले आपको यह देखना पड़ेगा 23 और 24 किस में है। 23 और 24 में तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म यहां कहां से आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। किसी व्यक्ति से बेगार या बलपूर्वक काम लेना दंडनीय अपराध है, सब नागरिकों को समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता है, समुदाय संघ यहां कहां से आ गया। 14 वर्ष की आयु वाले बालकों को कारखानों अथवा खदानों या कर से जोखिम भरे कार्यों में नौकर नहीं रखा जाएगा, ये रही रहेगा, बेगार वाला यहां नहीं होगा, तो धर्म का यहां नहीं होगा, कम्युनिटी और संघ कहां बनाने लगे, तो यहां आपका आंसर होगा 24 में क्या कहा गया है। 24 में कहा गया है कि किसी भी 14 वर्ष की आयु से छोटे बच्चे से कारखानों में खदानों में जोखिम भरे जगहों में आप काम नहीं करवा सकते, होटलों में वगैरह में नहीं करवा सकते। आमतौर पर होटलों में जिन बच्चों को हम छोटू बोलकर काम करवाते हैं, एक्चुअली में कई घरों में वो छोटू बड़े होते हैं, ऐसी स्थिति उनके सामने पैदा होती है, तो लग्जरी
जगहों पर उनसे काम कई बार करवा जाता है, बट डेंजरस जोन में आप काम नहीं करवा सकते, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 24 में 14 साल से कम आयु के बच्चों से कारखानों, खदानों, कृषि जोखिम कार्यों में काम करने के लिए मनाई है, तो 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार के लिए बैन कर दिया गया है, स्लेव सिस्टम को रोक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या नहीं आएगा? धार्मिक आसन प्रचार की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धर्म विशेष के उन्नति हेतु कर देने तथा न देने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत शिक्षण स्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता, क्या नहीं आता है? दोस्तों इसमें बात करेंगे तो ये नहीं आएगा, धर्म विशेष की उन्नति, व्यक्तिगत शिक्षण संस्था, धार्मिक कार्य और धार्मिक आचरण, इनमें से क्या नहीं रहेगा? इनमें से दोस्तों कोई भी नहीं रहेगा। ये चारों ही चारों धर्म के आधार पर अलग अलग जगह मान्यता देते हैं। धार्मिक आचरण की आपको आजादी है, जो धर्म अपनाया उसका प्रचार करने की आजादी है, धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट आपको करने का राइट आर्टिकल में दिया गया है, ये भी आपका होगा, यानी ये चारों ही रहेंगे, तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यहां पे आपको इसको लेना पड़ेगा, ये सारे काम आपको किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जब कोई सरकारी विभाग या अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है जिससे उस विभागीय अधिकारी को कर्तव्य पालन हेतु आदेश दे सकता है? तो दोस्तों यहां सीधा सा आंसर है परमादेश। किसी भी व्यक्ति को ऊपर से आदेश दिया जाए कि वो कोई कार्य करे, अपना काम करने का निर्वाह करे कर्तव्य का, ड्यूटी का, तो वो कहा जाता है परमादेश लेख आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, उत्प्रेषण लेख जिसको कैटालिटिक आर्टिकल कहते हैं, इसका मतलब क्या है? उत्प्रेषण लेख का मतलब है दोस्तों पूर्णता सूचित करना, कैटालिटिक आर्टिकल का मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा लेख सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीश न्यायालय को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि वह उन मुकदमों की सुनवाई ना करे जो उसको अधिकार क्षेत्र से बाहर है? दोस्तों जब बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट को आदेश देता है कि वह किसी ऐसे मुकदमे की सुनवाई ना करे जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उस अवस्था में हम लोग उत्प्रेषण लेख जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक अधिकार का निलंबन सस्पेंशन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने का काम दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति भी एक निश्चित प्रक्रिया के आधार पर ऐसा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का किसे प्रदान किया गया है? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार दोस्तों देश के सुप्रीम कोर्ट को यहां पे दिया गया है। 18 नंबर, भारतीय संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? दोस्तों संशोधन करने का राइट ऑटोमेटिकली संसद के पास है। कई फैसले आए, कभी कहा गया संसद संशोधन नहीं कर सकती, कभी फैसला बदला गया 13 जजों की बेंच ने, फिर कहा गया कि परिवर्तन कर सकती है, बट मूल ढांचे में चेंज ना हो। विधान में भी मौलिक अधिकारों का संरक्षक, गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स किसे माना जाता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 20, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध नेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस लगाने का अधिकार किसे है? ऑटोमेटिकली दोस्तों भारतीय संसद ही लगाएगी रेस्ट्रिक्शंस और कोई नहीं लगा सकता। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यानी DPSP संविधान के किस भाग में है? दोस्तों याद रखना, अगर मौलिक अधिकार की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो भाग नंबर 3 में है, DPSP की बात करेंगे तो भाग नंबर 4 में है, और मोरल ड्यूटी की बात करेंगे तो भाग नंबर 4 A में है। ये आपको पहले याद रखना पड़ेगा। अगर फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, DPSP की बात होगी तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, और मोरल ड्यूटी की बात होगी तो आर्टिकल 51 A में है। ये चीजें पहले क्लियर कर देता हूं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछेंगे तो हमने USA से लिया, DPSP के बारे में पूछेंगे तो हमने आयरलैंड से लिया, और मोरल ड्यूटी के बारे में पूछेंगे तो हमने USSR यानी रशिया से लिया। ये चीजें यहां पर आपको पहले एक्सप्लेन होनी चाहिए, यहीं से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखना इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिकली ये रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
यदि कोई राज्य इन डीपीएसपी तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जाएगा, हो ही नहीं सकता क्योंकि डीपीएसपी के पीछे कानून की शक्ति नहीं है। गांधीवादी सिद्धांत भी एक नीति निर्देशक तत्व है, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही है। यह सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, यह भी सही है। गांधीवादी भी ऑटोमेटिकली ये सत्य नहीं हो सकता, यह भी आपको देख लेना है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ आना चाहिए, तभी जाकर के आप लोग सक्सेस हो पाएंगे, एग्जाम को फेस कर पाएंगे सही से। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्व की नहीं है, डीपीएसपी की कौन सी विशेषता नहीं है? संवैधानिक निदेश या विधायिका, कार्यपालिका, प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। डीपीएसपी भारत सरकार अधिनियम 35 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है, इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है। ये तो बिल्कुल है भाई, क्योंकि वेलफेयर स्टेट के लिए तो है ही है। निर्देशक तत्व का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, ये तो नहीं हो सकता, न्यायालय तो कुछ कर ही नहीं सकता। डीपीएसपी के अंदर न्यायालय की शक्ति काम नहीं कर सकती है, तो ये आपका गलत होगा, डी आंसर रहेगा। लेकिन ये वेलफेयर भी है, 1935 के अधिनियम भी वे थे, और विधायिका, कार्यपालिका, प्रशासनिक मामलों के लिए सिफारिश भी है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश वाले थोड़ा सा एडजस्ट करें, क्योंकि दोनों भाषाओं में एक वीडियो नहीं हो सकती है, इसलिए मैं वर्ड लिखे हिंदी में गए हैं, वर्ड इंग्लिश में साथ में बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। डीपीएसपी तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, मैंने अभी बताया था, कहां से लिया, आयरलैंड से। अगर यहां फंडामेंटल राइट्स होता तो हम कहां से लेते, अमेरिका से। अगर यहां मोरल ड्यूटी या फंडामेंटल ड्यूटी होता तो हम कहां से लेते, यूएसएसआर से लेते। अगर यहां पार्लियामेंट की बात होती तो हम कहां से ले लेते, इंग्लैंड से लेते। यह भी आपको साथ में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस नंबर, निम्नलिखित में से कौन डीपीएसपी तत्वों के अंतर्गत आता है? गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो दोस्तों अगर यहां हम देखते हैं तो इसमें तीनों ही आएंगे, गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर। पशुओं की बलि पर रोक होनी चाहिए, ये भी एक जरूरी है। बलि प्रथा तो खत्म ही हो गई देश से धीरे धीरे। जीविका, सबको समान अवसर और काम के साथ साथ समान वेतन मिलना चाहिए। 14 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जिसको हम लोग जो एक टाइम में, जिसे हम लोग आज कहां पे ले आए, जिसके हमने बना दिया राइट टू एजुकेशन बना दिया, डीटीई ड्यूटी टू एजुकेशन बना दिया, आर्टिकल 45 से निकाल करके हम राइट टू एजुकेशन, ड्यूटी टू एजुकेशन ले आए। राइट टू एजुकेशन को हमने 21 ए में रखा, ड्यूटी टू एजुकेशन को हमने 51 ए में रखा। ये सरकार के लिए है, ये पेरेंट्स के लिए है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमने इसमें रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 41 कृषि पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, 39 समान न्याय और निःशुल्क। कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों ग्राम पंचायतें आर्टिकल 40 में हुआ करती थी, जिनको 243 में लाया गया, यह सही है। अनुच्छेद 44 सिंगल सिविल कोड है, यह भी सही है। अनुच्छेद 39 ए सामान्य न्याय और निःशुल्क कानून संबंधी समस्या, ये भी सही है। तो आपका आंसर ये यहां पे आंसर होगा, और ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है, इसलिए यहां आपका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है? दोस्तों डीपीएसपी मैंने बताया था आपको, डीपीएसपी कहां रखे गए हैं, 36 से 51 तक। 12 से 35 तक किन को रखा गया है, फंडामेंटल राइट्स को। 36 से 51 को किसको रखा गया है, डीपीएसपी को। अगर हम मॉरल ड्यूटी की बात करेंगे तो आंसर आएगा 51 ए में। यहां पे अगर 5 से 11 की बात करेंगे तो 5 से 11 में किसको रखा गया है, नागरिकता, सिटीजनशिप। यहां इनको भी मैं आपको साथ में समझा देता हूं ताकि आपको बाद में समस्या ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन डीपीएसपी के बारे में सही है? सभ्यता लागू हो जाते हैं, नैतिक राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, प्रकृति समाजवादी है, कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, ये तो हो नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली आपका सही क्या रहेगा, ये रहेगा। ना तो ये हो सकता, ना ये हो सकता, इन्हें सभ्यता लागू नहीं होते हैं, राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है इनको, और ये भी गलत है। तो आपका आंसर प्रकृति समाजवादी माने जाते हैं, इनकी वेलफेयर होते हैं, ये मतलब कल्याणकारी राज्य के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य के डीपीएसपी तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यानी जैसे बैंक अपनी सुविधा के आधार पर किसी चेक को अदा करें, ये इनकी तरह है। तो ये किस व्यक्ति ने कहा था, दोस्तों ये कहा था केटी शाह के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 30 डीपीएसपी तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? दोस्तों कहा है क्या डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को आप छीन सकते हैं? तो दोस्तों कुछ का हो सकता है, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको डीपीएसपी के लिए इग्नोर किया जा सकता है। 31 विधानसभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सत्यदानंद सिन्हा। पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा संविधानसभा की पहली बैठक हुई कब। संविधानसभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1940 को जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरमैन चुना गया था। लेकिन अगर दूसरी बैठक करेंगे तो 11 दिसंबर 1940 को होगी, और दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई की जगह स्थाई अध्यक्ष चुना गया था, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधानसभा के निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी कब? संविधान सभा की मांग पहली बार कब हुई? पहली बार दोस्तों 1895 में हुई, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल लाया था। 33 नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया जिन्हें मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट के प्रावधान रखे गए जिसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण कहां हुआ था? इसका निर्माण दोस्तों बंबई में हुआ था। बहुत कम बच्चों को पता है कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी। नेहरू रिपोर्ट की बात करेंगे दोस्तों तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, मोतीलाल नेहरू के अंडर में पहली बार लिखित संविधान भारतीय ने बनाया था, बट उसी के मुकाबले में उसी साल उसी समय 14 लाइनर प्रोग्राम यानी 14 लाइनर प्रोग्राम मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया था, जिसके बाद को अंग्रेजी सरकार ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया, ये ध्यान रखना है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी जिसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? देशी रियासतों के प्रतिनिधि दोस्तों 93 थे, याद रखना है टोटल 389 थे, 389 में 292 ब्रिटिश भारत के थे, 93 देशी रियासतों के थे और 4 महानगरों से चुने गए थे। 292 ब्रिटिश भारत, 93 देशी रियासत, 4 बिग सिटीज जिनको माना गया था वहां से लिए गए थे। भारत के विभाजन की घोषणा कब की गई? इंडिया के विभाजन की घोषणा कब हुई? दोस्तों याद रखना है जिस दिन भारत स्वतंत्रता अधिनियम इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बना पास हुआ, इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? माउंट बैटन प्लान। जिस दिन माउंटबेटन प्लान पास हुआ उसी दिन भारत के विभाजन की घोषणा हो गई थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ जिसके आधार पर देश को आजादी मिली। इसी दिन यह फाइनल हुआ कि 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को आजादी मिलेगी। 36 संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरमैन चुना गया। 11 दिसंबर को सेकेंड मीटिंग हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, आगे काम आएंगे क्वेश्चन ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सत्यदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों याद रखना है। विधानसभा का अंतिम दिन, आखिरी अंतिम दिन का मतलब है लास्ट मीटिंग, आखिरी बैठक कब हुई? दोस्तों इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, सॉरी 24, इसमें ध्यान रखना, इसको ध्यान नहीं रहे, 24 जनवरी आपका आंसर रहेगा, 24 जनवरी क्यों याद रखना है? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनाई गई थी और 24 जनवरी 1950 को इसे भंग कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि 6 दिसंबर को बनाया गया, स्थापना हुई, 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 को दूसरी बैठक, 13 को तीसरी बैठक, इस तरीके से बैठकें होती रही और जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को पास कर दिया गया तो 24 जनवरी को आखिरी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में यह कहा गया कि 26 जनवरी से संविधान अपने आप लागू माना जाएगा। इसी दिन राष्ट्रीय गीत
और राष्ट्रीय गान को मान्यता मिली। इसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया। संविधान सभा के जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें इसी दिन से भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट कर दिया गया। ये चीजें आपको याद रखनी है। आखिरी मीटिंग में क्या क्या हुआ, भंग की गई, संविधान सभा की आखिरी मीटिंग मानी गई, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत को मान्यता मिली और राजेंद्र प्रसाद को देश का राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया।